गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब पेरेंट्स को नमस्ते। माई सेल्फ दीपक कुमार, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महात्मा गांधी साइंस कॉलेज खरियार। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। क्या करेंगे अब, सब तो लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करना पड़ रहा है। आप लोग को हम यहाँ पे बुलाते, हम लोग डायरेक्टली कन्वर्सेशन करते, बात करते, पढ़ते, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है अभी। सो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, पढ़ने में, तो आप हम लोग को मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अभी यूज़ करना है हम लोग का प्रॉपर टाइम। जो हम लोग मोबाइल में अलग अलग चीज़ सब लोग करते हैं, गेम खेलते हैं ये वगैरह, हम लोग अभी पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है ना, मेरा स्पेशल क्लासेस होगा एक ठो, डायरेक्टर सर के क्लासेस बोल के, राइट। तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास पढ़ाएंगे हम लोग आज। जो पढ़ाएंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये है कि हम लोग के पास अगर अच्छा पर्सनालिटी होता है, राइट, हम लोग सबको इम्प्रेस कर सकते हैं, हम लोग सबको कोशिश कर सकते हैं कि हमारा बात कोई सुने, और हम लोग सबको ऑब्जर्वेशन में आएंगे, सबका ऑब्जर्वेशन में हम लोग आएंगे। ठीक है कि नहीं? तो पर्सनालिटी बहुत मैटर करता है दुनिया में। अगर किसी के पास अच्छा पर्सनालिटी नहीं होता तो उसको कुछ नहीं मिलता दुनिया में। तो पर्सनालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन बींग, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी क्या होता है, कैसे हम लोग का पर्सनालिटी होगा, कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है ना। तो हम लोग का देखो बेटा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, बात कम्युनिकेशन स्किल में होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल, कि हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ कैसे टाइप का बात कर रहे हैं, हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हम लोग का मूवमेंट कैसा है, ये पहले पता चलता है। उसके बाद हम जो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उसको कैसे बात कर रहे हैं, हम लोग का फ्लुएंसी कैसा है, चाहे हम लोग संबलपुरी में बात करें, चाहे हम लोग उड़िया में बात करें, चाहे हिंदी में, चाहे तेलुगु में, चाहे इंग्लिश में, हम लोग का फ्लुएंसी पावर कैसा है, उस हिसाब से नहीं क्या, हम लोग का स्पोकन पावर भी जज किया जाता है। उसके बाद हो गया आप लोग का ड्रेसिंग सेंस, आप क्या कैरी किए हो, आप क्या पहने हो। ये मतलब नहीं कि आप खाली सूट बूट पहन के आप लोग का पर्सनल डेवलपर, नो, बट ये मैटर करता है कौन सा जगह पे क्या पहनना है, ये नॉलेज होना चाहिए, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस। जैसे कि आप लोग एक एग्जाम्पल दूँ, अभी आप लोग का किसी के घर में कोई मर गया है, उसके घर में आप जाके आप ब्लेजर फ्लेजर पहन के जाओ, अच्छा नहीं दिखेगा ना। तो ये सब चीज़, तो ऐसे सब चीज़ को मिला के पर्सनालिटी तो एनहांस होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग को मैं पढ़ाऊंगा। तो उसमें मेन फैक्टर है हम लोग का स्पोकन इंग्लिश। सबको दिक्कत होता है कि स्पोकन इंग्लिश, राइट। तो उससे पहले आप पढ़ाई का बात छोड़ दो, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं कुछ भी, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं ये कोशिश करूंगा आप लोग को कि हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते। आप लोग तो अभी मोबाइल में मेरे को देख रहे हो, राइट, लेकिन मैं आप लोग तक पहुंच के आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। अभी जैसे कि हम लोग के अभी उड़िया बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो मैसेज कर देना कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी उड़िया में भी पढ़ाऊंगा, उड़िया हिंदी इंग्लिश सब मिला के पढ़ाऊंगा, सब लोग समझ में आ गया सबको, ठीक है कि नहीं, समझते बुझी पा रही हो, राइट, किसी टेंशन हमारा दरकार नहीं ना। अमर भाषा में भी पढ़ावी, इंग्लिश में भी पढ़ावी, हिंदी में भी पढ़ावी, ठीक अच्छे। तो फर्स्ट हमें पढ़वा क्या ना, आज ही मैं तुमको पढ़ावी सबुठ बहुत इंपोर्टेंट जिनिस, जनता की तुम्हें कभी भी नहीं पढ़ी थी, आप लोग कभी भी नहीं पढ़े हो स्कूल से, कभी भी नहीं पढ़े हो, बट ये आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। वो क्या है, हम जो पढ़ते हैं, राइट, हम जो पढ़ते हैं वो कैसे मेमोरी रहेगा हम लोग को, हमारे पास जो मेमोरी है, ब्रेन है, हम लोग के पास ये ब्रेन है, सोचो ये ब्रेन है, हम लोग के पास दो साइड होता है, एक लेफ्ट साइड ब्रेन एंड राइट साइड ब्रेन, ठीक है ना। 90% ब्रेन एक जगह रहता है और 10% ब्रेन एक जगह रहता है, ठीक है कि नहीं। पर हम लोग बस 10% को यूज कर सकते हैं ह्यूमन बींग, अभी तक किए हैं लोगों ने, लेकिन 90% यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये पॉसिबल है, ठीक है कि नहीं। 10% ब्रेन में जो हम लोग स्टोर करते हैं हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है कि नहीं। जो पढ़ते हैं वो 10% में आता है, इसीलिए हम लोग भूल जा रहे हैं, लेकिन वो अगर 90% में आ जाएगा कभी तो हम कभी नहीं भूल सकते। कौन से चीज को नहीं भूल सकते, मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूं, ये विश्वास मैं आपको दे रहा हूं। कैसे होगा मैं आपको ये बता रहा हूं। सोचो एक एग्जांपल लो, ठीक है, अभी मैं आपको 10 वर्ड बोलूंगा,
10 वर्ड को आप फटाफट याद करके देखो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से सोचो, किसी तरफ नहीं देखो, ठीक है? जवाब भी ले, उड़िया में भी बोल रहा हूँ, समझते 10 वर्ड भी पहुँचे, राइट? तुम्हें से टाके मेमोराइज करवा ट्राई करो, कितने जल्दी कर पारूच, ठीक अच्छे? मैं तुमको कहूँ केनर ध्यान नहीं दियो, मुझे जाने गुस्से लगे, सुनो पूरा डीपली, ओके? फर्स्ट फैन, कैट, सॉक्स, माउस, एरोप्लेन, इंजेक्शन, पेशेंट, फ्रूटी, विंडो, स्काई, ठीक है? याद हो गया? कौन कौन कर सकते, थोड़ा ट्राई करो अभी। ज्यादातर बच्चे नहीं कर सकते, आई थिंक बहुत पिला नहीं कर पार्थ मेमोरी, बहुत पिला जी कर कंग्रेचुलेसन, बट 2 मिनट पर भूल जीवटा के तुम्हें आगर पच पर्यंत कही नहीं पार कि पच आड़ नहीं कही पार, आगे से पीछे नहीं बोल सकते कि पीछे से आगे नहीं बोल सकते, लेकिन मैं भी बोला ये, आगे से मैं पीछे बोल सकता हूँ, पीछे से आगे भी बोल सकता हूँ, और आप भी बोल सकते हो, ओके से। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है? पहले हो गया फैन, उसके बाद हो गया आपका कैट, उसके बाद हो गया आप लोग का सॉक्स, उसके बाद हो गया माउस, उसके बाद हो गया एरोप्लेन, उसके बाद हो गया इंजेक्शन, उसके बाद हो गया पेशेंट, उसके बाद हो गया फ्रूटी, उसके बाद हो गया आप लोग का विंडो, उसके बाद हो गया स्काई। पीछे तरफ से जाते हैं, देखो लास्ट से, स्काई, विंडो, फ्रूटी, पेशेंट, इंजेक्शन, एरोप्लेन, माउस, सॉक्स, कैट, फैन। आप भी ट्राई करके देखो, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आपको एक टेक्निक नहीं बता, मैं आपको ये टेक्निक बताता हूं। हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग उसको रट्टा मारने के लिए कोशिश करते हैं। मैं आपको जब बोला, आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने याद किया होगा, फैन फैन फैन, ये फैन है, ये कैट है, ये माउस है, इसलिए आप भूल जा रहे हो। आप हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं उसको हम लोग पिक्चराइजेशन करना चाहिए। देखो हम लोग जितने भी सारे वर्ल्ड है ना, दो चीज में बना है, दो चीज में, क्या है? एक तो हो गया अल्फाबेट, जैसे कि ABCD, ठीक है ना? दूसरा हो गया आप लोग का डिजिट, नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, ये सब, ठीक है? ये सब चीज में हम लोग पढ़ते हैं। दुनिया में और कौन सा चीज है क्या जो यूज होता है? कुछ नहीं है, यही पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके अलावा और एक तो चीज है जो हमको बताया नहीं गया है, जो हम लोग नहीं पढ़ते, यूज नहीं करते, उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन क्या है? अभी देखो, अभी एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग ने 10 साल पहले जो मूवी देखा होगा उसको आप अभी तक याद रखे हो, सब कुछ याद रखे, थोड़ा थोड़ा याद रखे हो। देखो कैसे, अभी मैं आपको बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलना, ठीक है? कुछ कुछ होता है, सब लोगों ने बोल दिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सब लोग बोले होंगे, साजन चले ससुराल, सब ने बोल दिया, मेरे साथ बोलो फिर से, कभी खुशी कभी गम, ठीक है ना? ठीक है, आप इसको रट्टा मारे हो कभी? कभी घुसी चो ताकि कभी मेमोराइज करवा ट्राई करी चो, बट तुमके मन अच्छे से आप लोगों को सब याद है ऑलरेडी। कैसे वो कैसे होता है? क्योंकि हम लोग उसको पिक्चर के थ्रू देखे हैं, उसको पिक्चराइजेशन के थ्रू देखे हैं हम लोग उसको, ठीक है ना? तो उस इसीलिए हम लोग को दिमाग में ऑटोमेटिक आ जा रहे हैं, हम लोग जब रिदम में जा रहे हैं, वो साजन चले ससुराल इसको हम लोग देखे हैं। अभी आप लोग 16 मूवी देखे होंगे, 16 मूवी आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, वो सबसे बना है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बसंती, आप बोलोगे कुत्तों के सामने मत नाचना, ये सब पता चल जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग पिक्चराइजेशन में देखे होंगे। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आप जो भी चीज पिक्चराइजेशन में देखोगे, जो भी चीज याद रखोगे, आप उसको कभी नहीं भूलोगे, कभी 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 नहीं, जो कि आप लोग के पढ़ाई में भी ये आप लोग का काम आएगा। कैसे करोगे, ये टॉपिक है, कैसे सर, कि ये कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई में कैसे ला सकते हैं, ये इसको कैसे याद कर सकते हैं? हम तो मूवी को याद कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग मूवी देखते हैं, हम अपना ये पढ़ाई को कैसे कर सकते हैं? मैं ये आपको सिखाऊंगा,
लेकिन अभी आप लोग जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है आप इतना सीख नहीं पाओगे, मैं उसका हिंट दे रहा हूं, ठीक है। जब आप लोग कॉलेज आओगे, जब आप लोग कॉलेज आओगे तब आप यहां पे सब पढ़ोगे, आपको सब सिखाऊंगा। आप इतना भी बोल सकते हो कि इंडिया वर्ल्ड में, इंडिया छोड़ दो, वर्ल्ड में जितना वर्ल्ड का कंट्री का कैपिटल है उनका करेंसी तक लेके, हिस्ट्री डेट तक लेके सब कुछ बोल सकते हो। यानी कि ये भी बोल सकते हो, जो भी अगर आपको खाली डेट बोलेगा, डेट ठीक है, सोच मान लो 2 अक्टूबर 1992 को क्या डे है, आप वो भी बोल सकते हो, है ना हेमा जी, मजा लग जाएगा ना ये पढ़ के। सब कुछ बोल सकते हो आप, बहुत सारा चीज, और हर किसी को आप याद रख सकते हो, एनीथिंग आप जो पढ़ रहे हो। कैसे मैं बोल रहा हूं, हम लोग जब मैं आपको बोला था फैन कैट के बारे में, अभी आप लोग सब लोग भूल गए होंगे, है ना, लेकिन अभी मैं जो बोलूंगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनो, आप कभी नहीं भूलोगे, 10 दिन के बाद भी अगर आप याद करोगे तो याद कर सकते हो, लेकिन मेरा बात केयरफुली सुनो, मोर कथा ठीक है, केयरफुली सुनो तो मैं जान ही पा रहा हूँ, राइट ओके, सुनो आखिर ठीक है, बंद कर दियो, मुझे जाना कौन से रहेगा, तुम स्टोरी भाव नीच के एसोसिएट करो, माने से जगह तुम नीच के भाव रोक ओके। तो भाव तुम्हें गोटे दिन घरे संडे दिन फैन के तुम सफा करुल, ओके फैन के सफा करुल ठीक अच्छे, फैन जब तुम सफा करुल गोटे कैट देखेदेला, देखल तुम्हें से कैट गोटे इमाजिन कर, बेकार कथा मैंने इमाजिन कर, बेकार कथा मैंने ही तुमको मन रहा, तुम देख कैट क्या कर सक्स पिंधि, ओके कैट तो सक्स साधारण तो नहीं पिंधे बट फालतू जिन सैटा इमाजिन कर, सैटा तुमको माइंड को जल्दी अब्जर्व कर पार, तुम कैट सक्स पिंधि, सक्स जो पिंधे से सक्स गोटे रेट्र पिक्चर अच्छे से सक्स, ओके साधारण नथिस आम पाखे रेट्र अच्छे, से कण कला देख लडन जे से सक्स रु रेट माउसटा भागीगला एरोप्लेन उड़ीदेला, एरोप्लेन गला एरोप्लेन जो देख ल तुम इमेजिन कर एरोप्लेन गुड़े अच्छे, एरोप्लेन अच्छे, एरोप्लेन कण कला एरोप्लेन जो पहुँचला माउस तार पाखे गोटे इंजेक्शन बसला, इंजेक्शन देखला गोटे पेसेंट बसचे से ना, ओके पेसेंट बसचे, पेसेंट के देखला तो पेसेंट के इंजेक्शन दवा, तो से जो दवा लेकिन चाहला, ओके पेसेंट के से दला जे से इंजेक्शन रहने मेडिसिन किसी नहीं भारी, फ्रुटी भरला, ओके फ्रुटी भरला, जो फ्रुटी भरला पेसेंट कण कला देखला गोटे फ्रुटी अच्छे, तो से विंडो पाखे गला एरोप्लेन आर से डेगाबार लगे ट्राए कला, डेगा देला जो उपरे स्काए थी ठीक अच्छे। ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए, आप लोग फैन साफ कर रहे थे, ओके जब फैन साफ कर रहे थे आप लोग उस टाइम में एक तो कैट आया, वो कैट कूद दिया फैन के ऊपर, वो क्या किया है सॉक्स पहना है, सॉक्स में माउस का एक सिंबल है फोटो, वो फोटो से माउस एक तो निकल के चला गया और एरोप्लेन में घूमा, जब वो एरोप्लेन पहुंचा उसमें किसी सीट पे इंजेक्शन एक तो था और एक तो पेशेंट बैठा था, तो माउस क्या करेगा वो इंजेक्शन को पेशेंट के पास गया और देने के लिए इंजेक्शन को लेके गया, ओके उसमें फ्रूटी निकला इंजेक्शन के अंदर, जब देखा पेशेंट इसमें फ्रूटी है वो विंडो के पास गया और कूद दिया तो उस काय देख लिया, बस ये स्टोरी है आपका, इमेजिन किए। अभी देखो आप स्टोरी का अगर याद करोगे तो सीरियली बोल सकते हो मैंने किसके बाद क्या क्या बोला, फैन कैट सॉक्स माउस एरोप्लेन इंजेक्शन पेशेंट है ना, देन उसके बाद फ्रूटी विंडो स्काई, पीछे तरह से भी बोल सकते हो आप लोग, ये ट्राई करना बहुत मजा लगेगा आप लोग को, ठीक है ना। ये आप लोग को ये झलक दिखा कि मेमोरी कैसे आप लोग याद कर सकते हो हर चीज, यानी कि आप एक 5 मिनट, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तो 5 मिनट में 50 नंबर याद कर सकता हूँ, 50 मोबाइल नंबर, आप लोग को एक नंबर याद करने से भी आप भूल जाओगे, लेकिन मैं 50 नंबर याद कर सकता हूँ, या मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे अगर दिखा दूँ आप सोचोगे कि सर का ट्रिक होगा, अभी तो मतलब कैमरा लगा हुआ है बोल सकते हैं, अब जब आओगे यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा लाइव डेमो करके, ठीक है आप देख सकते हो, बहुत सारा चीज़ दिखाऊंगा, बहुत सारा चीज़ पढ़ाऊंगा, विजुअलाइजेशन जैसे पढ़ते हैं हम लोग, कैसे पढ़ते हैं क्या करते हैं हम लोग सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। उसका एक कोड होता है,
और मैं आपको सिखाऊंगा, पर अभी के लिए नहीं, अभी आप जब लोग आओगे यहाँ पे तभी यहाँ पे आप सिखाऊंगा ये सब चीज़, क्योंकि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। हम दोनों अगर कनेक्ट करेंगे, आप आंसर दोगे तभी होगा। और हर कोई मेमोरी का बादशाह हो सकता है। विवेकानंद का थ्योरी कैसा था, विवेकानंद लोग जितने जितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं ये यूज करते थे, जो जितना उसको पिक्चराइजेशन किया, जितना उस थॉट लिया वो उतना मेमोरी कर सकता। आप भी विवेकानंद हो सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इस, ये तो पढ़ाऊंगा मैं आपको मेमोरी क्लासेस कॉलेज आने के बाद, ये आपको जस्ट एक ठो झलक देख कैसे आप लोग एसोसिएट हो सकते हो और विजुअलाइज करके पढ़ सकते हो, है ना। तो मेन चीज ये एक ठो पॉइंट हो गया। उसके बाद हो गया हम लोग आते हैं स्पोकन इंग्लिश। ज़्यादातर हम लोग तो हिंदी में बात करते हैं या हम लोग संबलपुरी में बात करते हैं, है ना। आई थिंक जो बच्चे सीबीएसई वाले बच्चे हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, उनका स्पोकन इंग्लिश मेरे हिसाब से लगभग ठीक होगा, अच्छा भी होगा। लेकिन उड़िया वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं, उड़िया पिलान के ठीक है प्रॉब्लम ही जाऊँ इंग्लिश को हवा लगी। इंग्लिश पढ़ूचन छोट बेलू पढ़ूचन, बट इंग्लिश कह नहीं पार फ्लुएंटली। आपण मन के सामल सार पढ़ाऊ से आपण के जन ग्रामाटिकल पढ़ूचन सेटा पढ़ नो इश्यू, ओके से आप सेटा तुम रिटेन काम देवा। बट मुई तुमको कहना पढ़ाबी स्पोकन, तुम्हें केनता किना इंग्लिश रे कथा ही पार्ब, डायरेक्टली कथा ही पार्ब। तुम्हें एवं इंग्लिश नहीं जानवा नो इश्यू, शिखामा आम। एक्चुअली प्रोब्लेम कहना है फास्ट कह दूचो स्पोकन इंग्लिश करवा लगे, स्पोकन कथा कहवा लगे कहना प्रोब्लेम है। आम जो संबलपुरी कथ आस जो तुम लांगुएज कथ आस के फटाफट कथ आस तुम घर लोक सागे इटा दिव माँ इटा दिव मुझे करते सैटा करी। बट जदि जाकि हिंदी आस हिंदी से भरसे कथ ही पार्थ, बट इंग्लीश इंग्लीश बहुत प्रोब्लेम ही इंग्लीश प्राय पीला कथ नहीं पार कहाँ जी डर मेन जिनसा डर। आप लोग के पास वो डर बैठ गया है क्योंकि हम लोग को इंग्लीश नहीं आता। तुमके मुझे बिलीव करवा लगे कहूँ कि बेटा इट्स नॉट योर फॉल्ट, इंग्लिश गोटे लांगुएज राइट, इंग्लिश किसी नुहे से जनता आम समलपुरी लांगुएज है, जनता आम हिंदी लांगुएज है। तुमके मुझे कह तुम तेलुगु कथा हो तो कथा ही पार्ब नहीं पार तो डरबार कण अच्छे इंग्लिश है। तुम गोटे एग्जाम्पल अच्छे बेटा, जदि आम ब्रिटिशर्स मैंने आम देश में शासन करते और वर्ल्ड में शासन करते राइट, सेतार लगी इंग्लिश आप गला इंटरनेशनल लांगुएज। जदि आम इंडियंस जो शासन कर सब जगह तो आम हिंदी भी ब्राक ओबामा डोनाल्ड ट्रम्प एवरी लोक एवरी एवरीबडी हिंदी कही एवं कोरोना भाइरस डायलग मार सब हिंदी में कही बुझीपार लगे नहीं। तो सुने डरबार किसी नहीं ना कि आमको हिंदी नहीं आसबार कि इंग्लिश नहीं आसबार, इटे जस्ट ए लांगुएज। जैसे तुमको तेलुगु नहीं आसल तुमको लाज नहीं लगवा, इंग्लिश नहीं आने भी लाज नहीं लगवार कथा। बट प्रोब्लेम कहना अच्छे जेहतु आम इंटरनेशनल लांगुएज बनी जाइए आमके सीखा पड़वा इंटरनेशनल मार्केट ने, कहीं बहुत जगह यूज हे आम कहीं केरल जी से समलपुरी बुझे ना उड़िया बुझे ना हिंदी बुझे से इंग्लिश बुझे तो से इंग्लिश पढ़सन से भाषा नहीं बुझीपार से तार लगे आमके नीड हेसी। आउ साधारण सो कल्ड इंग्लिश कहे टी पर्सनालीटी एनहांस हेसी बोलिकिना आम थिंकिंग वर्ल्ड थिंकिंग सेटा बिकज सेटा इंटरनेशनल लांगुएज। तो फास्ट कथा तुम डरबार नहीं सेटा आम सीखमा के सीखमा मु कहबी तुमके। तुम भाव गोटे छुआ जिते तुम छुआ सान जिते थी तुम क्या जानी इंग्लीश कण तुम समलपुरी भी कहना जानते तुम उड़िया भी कहना जानते तुम खाली तुम पार्टी भारी माँ माँ छोड़ किसी नहीं भारी था तुमके। जदि मुई कही कि तुम घर कही इटा है चाचा इटा है मामा तापर तुम जान लो हाँ इटा चाचा इटा मामा इटा बेटा आंब इटा है मैंगो इटा है चेयर तापर तुम जान लो जो तुमको नहीं कही नहीं जानी थी तो एबे अमेरिका इंग्लैंड रे से बचपन रू इंग्लिश जान क्या लांगुएज से राइट से पढ़ा हो तुमके नहीं तुमके कण मैंगो बाकी तुम मैंगोर स्पेलिंग नहीं जानबार तुमके छुआ बेले पढ़ा होता कि मैंगो कण नहीं मैंगो इटा तुम देख ल कण कल देख ल राइट विजुअल कल भिजुआल कल तुम मैंगो के छोट बेले जो तुम मैंगो को देख ल तुम माइंड कण आसला से मैंगो है तो मैंगोर स्पेलिंग भी नहीं जानवा भूली जाओ तुम स्पेलिंग तुम कह चेयर बोर्ड कहीं तुमको कहल ये बोर्ड तुम तो स्पेलिंग नहीं जानवा बोर्ड कण बट तुम जान एंता जेन कलर दिशे एंता ही इ सेप्रे बोर्ड हैसी
ऐसा अगर ऐसा सेप रहेगा तो ये बोर्ड होता है, हम लोग को ये पता गया, ठीक है ना, बचपन से। तभी जाके हम लोग को पता चला कि हाँ ये सब चीज़ ऐसा ऐसा है। वैसी तरह ऐसे तरह ही हम लोग को सब चीज़ जितनी भी चीज़ है हम लोग को जब बोलेंगे तभी पता चलेगा, राइट। विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। विजुअल नहीं करने से आप लोग कभी इंग्लिश नहीं सीख जाओगे। और एक तो गलती कहाँ पे हुआ है मैं आपको बोल रहा हूँ, गलती सबको रेस्पेक्ट करते हुए, सब ऑथर को, सब लेक्चरर को मैं रेस्पेक्ट करते हुए बोलना चाह रहा हूँ कि गलती स्टार्टिंग से हो गया है। हम लोग हमारे बच्चे को सिखाते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं सिखाता कि इंग्लिश समझेंगे कैसे। अरे भाई कोई समझोगे तभी तो बोलोगे, है कि नहीं। अगर मैं आप जो बोल रहे हो नहीं समझूंगा तो उसको बोल कैसे सकता हूँ, है सच्ची कैसे की। अभी मुझे तुमको कहूँ बेटा ओरिजिन सब है तुमके जो दी कहना कहूँ जो तुम जो बुझ ही नहीं पा रहा हो तो तुम कही कहना पा रहा हो मुझे देवी तुम कोई भी एन का वाली एम कोरा बुझ पा लो तो तुम आंसर दी पा रहोगी नहीं दी पा रहा बिकॉज मुझे जाना कहली तुम सामने सुनबार ही नहीं जानबार ही नहीं। तो आम कण करुचु समस्त खाली शिखेबारे लगे इंग्लीश कंता कहीपार इंग्लीश कंता कहीपार इंग्लीश कंता कहीपार छोट बेलु तुम सार पढ़ते आई एम आर लगेदेव इज आर आर लगेदेव पास्ट में एंता करसन प्रेजेंट में एंता करसन फ्यूचर में एंता करसन से खाली पढ़े बट बुझ के ना बुझ्वाटा बुझ्वाटा है मेन। तो से नु ही आम गलत ट्रेन में बसी दीचुना अलरेडी, राइट। ट्रेन आम गलत ही जाइए आमको जीवार दिल्ली आम बसी जाइ वाइजागर ट्रेन में तुमको जाना पढ़ाई से रिटिन लगी ओके ठीक अच्छे रिटिन लगी ओके बट तुमके भोकल लगी लांगुएज काना कह लांगुएज काना लांगुएज गोटे जिनिस जेनटा आम ब्रेन रे गोटे थट आई थट थ्रु आम पिक्चराइजेसन करसुँ से जिनके भाविकापे टंग्रे कहीसुँ दैट इज लांगुएज सारा इंग्लीश हो हिंदी हो उड़िया हो तेलुगु हो जाना भी हो गोटे जिनके पिक्चराइजेसन करसुँ तापर आम माइंड के नेसुँ माइंड रूप आसी सारापर आम भोकल थ्रु जैसे जेनटा से लांगुएज राइट से लांगुएज है। तो आम इंग्लीश के देखी के ना पार्मा इंग्लीश के ना जानी पार्मा मुझे विजुअलाइजेशन के ना करी पार्मा आर विजुअलाइजेशन कला पर के तुम इंग्लीश कही पार्ब मुझे तुमके से बताबी राइट। तो आज छोटी एग्जांपल देवी तुमके बस तो नेक्स्ट क्लास में तुमके मुई बहुत पढ़ाबी आज गोटे छोटी एग्जांपल दूचे ट्राए कर तुम टेन्स पढ़ी टेन्स टेन्स अच्छे कत टेन्स अच्छे क्वेश्चन पास्ट टेन्स देन प्रेजेंट देन फ्यूचर टाइम प्रेजेंट अच्छे देन अच्छे फ्यूचर जदि मुई तुमके ये कह तुमके ये आश्चर्य लग पाए मैं अगर आपको बोलूँगा आप लोग को शौक लगेगा कि ये सब टेंस नहीं है। आप बोलोगे सर पागल हो गए हो हम लोग तो बचपन से पढ़े हैं ये कैसे टेंस नहीं है सर कहता टेंस नहीं से पहले हमारे मास्टर मैंने बेड़ाटा मैंने नहीं पढ़ी से मैंने से मैंने ठीक कही चन भूल किसी नहीं कही मैं तुमको कहली पर कि तुमके से मैंने पढ़ेवाड़ा सीखे चन पर तुम बुझ कंता तुमके सीखे देले तुम्हें केन्ता कि ना कही पार्ब केन्ता कि ना इंग्लीश जानब बट बुझी पार्ब कंता नहीं सीखेले विजुअलाइजेशन नहीं कराएले सीटा हिजो प्रोब्लेम राइट। आज जो सारा मैंने कर तो बहुत बढ़िया ऑलरेडी सब सीखी पारिथे तो इटा तुमके पढ़ाई टेन्स 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 रस कौन टेन्स का मतलब काल ओडिया रे काल। तो मेरे को बोलो कि काल क्या होता है पास्ट काल ओके प्रेजेंट काल फ्यूचर की बोलते हैं ये सब टेंस नहीं है। फ्यूचर को हम लोग टाइम बोलते हैं ये हमको मालूम है फ्यूचर के टाइम क्वेश्चन हमको जाना है प्रेजेंट के टेंस क्वेश्चन मतलब पास्ट के टेंस क्वेश्चन ना इटा है तुम्हार टाइम इटा भी तुम्हार टाइम है कहना टाइम है इज योर टाइम लाइन जेनटा तुम अनुभव कर सारी कि अनुभव करुच से टाइम के जेनटा दर्शोसी सेटा है तुम टेन्स बुझिपाल कन्फ्यूज हो थो कौ शुण तुम्हें बर्तमान में तुमको इंग्लीश पढ़ाऊे स्पोकन इंग्लीश पढ़ाऊे दिस इज रियल प्रेजेंट दिस इज रियल कण ई टाइम पढ़ाऊे ओके टाइम बीतवार बर्तमान तुमको पढ़ाऊे दिस इज योर रियल प्रेजेंट आम समस्ते पढ़ीचु प्रेजेंट टेन्स रे हिंदी बच्चे ये पढ़े होंगे कि जिस वाक्य के अंत में तो ता या ती लगेगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। उड़िया रे पढ़ी चल पिला मैंने कि जे नगर रे खाए जाए गाए से तुम प्रेजेंट सिंपल हवा। अच्छा मतलब कथा कह
सेटा प्रेजेंट सिंपल केनता हबा तमे सेटा प्रेजेंट सिंपल नहीं सेटा तमर हिजी हैबिट हैबिट तमर केनता कि ना प्रेजेंट सिंपल होचे प्रेजेंट रियल प्रेजेंट एक्चुअली सेटा के प्रेजेंट सिंपल के कैन टेंस रे जगह नहीं मिली कैन टाइम रे जगह नहीं मिली सत्ता लगे ना जबरदस्ती प्रेजेंट सिंपल के रखाई राइट बट से रियल प्रेजेंट नहीं से रियल प्रेजेंट है खाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस रियल प्रेजेंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जेने केनटा एबे एबे जेने चालू छे तमे देखु छो मते मु तुमके पढ़ौ छे दिस इज योर रियल प्रेजेंट राइट मु तुमके पढ़ौ छे तुम पढ़ु दिस इज योर रियल प्रोजेक्ट अच्छा यार एग्जांपल देवार लगे तुम्हें बेटर विजुअलाइजेशन के करमा तुमको भी देखे दूचे एवं राइट तीन टा बॉक्स काढ़ी दूचे मुई राइट दुटा बॉक्स अच्छे इटा भावी दियो टिके टाइम लगे तुम भूली जाओ इंग्लिश जान जाना पढ़ी टिके टाइम लगे मुझे तुमको पढ़ो के कहब रिटर्न लगे नहीं पढ़ाबार के कहब तुम राइट इटा कही दो तुम्हें पास्ट राइट इटा भाव तुम फ्यूचर इन्हें गोटे गार्ड चेंज देली मुई एटा भाव तुम प्रेजेंट ओके हमें विजुअलाइजेशन ना करमा कैसे करेंगे हम लोग विजुअलाइजेशन देखो अभी मेरे को ये बोलो जितना सारा आप लोग पढ़े हो जितना भी प्रेजेंट का जितना फॉर्म्स है टेंस तो पढ़े होगे सब लोग टेंस तो समझ से पढ़ी थी वो सब भूल जाओ एक मिनट के लिए सब भूल जाओ आप खाली ये पकड़ो कि हम लोग ज़्यादातर यूज कैसे करते हैं गलती कहाँ पे हो रहा है देखो मैं बोल रहा हूँ हम लोग जो यूज नहीं करते उसको पढ़ाते हैं फॉर एग्जाम्पल सब बच्चे पढ़े होंगे राम राम ईट मैंगो राम मैंगो खाए ये सब लोग पढ़े होंगे ठीक है ना राम मैंगो खाता है सब लोग पढ़े हो ओके अच्छा मेरे को ये बात बोलो आप ना राम को जानते हो ना सीता को जानते हो वो कौन है नहीं जानते आप उसको कैसे एसोसिएट करोगे और एक तो एग्जांपल दे रहा हूं राम राइट ए लेटर टू सीता राम खत लिख रहा है राम चिट्ठी लिख पूछे बरे भाई चिट्ठी तो अभी के लिखबार भी नहीं व्हाट्सएप करूच ठीक है राम को तुम जानबार नहीं तो तुम्हें कैंता इंसान बुझी पार्ब फर्स्ट थिंग तुम्हें एसोसिएट करो माने इंग्लिश तुमके सीखवा लगी भी तीन टा फॉर्मूला तुम सीख पार्ब केन फॉर्मूला नोट करो भी ए एंड ए भी काना विजुअलाइजेशन करब विजुअलाइजेशन फर्स्ट थिंग ए काना एसोसिएट हब निजे इनवॉल्व हब आर थर्ड ए काना एप्लीकेशन एप्लीकेशन काना जेंडा कि तुम एम केना लगवा इज केना लगवा आर केना लगवा ओके तो ये तीन टा रही तुम इंग्लिश कही पार्ब विजुअलाइजेशन एसोसिएट एसोसिएट केना करब निजके नि तुम सब बेले निजर एग्जांपल लब राइट एबे केनता नब तुमके मुई एटा तुमके देखौ छ राइट तो एटा हेगला तुम पास्ट एटा हेगला तुम फ्यूचर एटा हेगला तुम प्रेजेंट राइट ठीक अछि एबे सब जिनिस लागि तुम भूली जाओ खाली हम तीन तीनटा यूज करमा जिन हमें मोस्ट प्रोबेबली यूज करसु ओके क्या करेंगे तीन चीज खाली यूज करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए मैं गया था मु जाई थी मु जीवी मु जाऊची ठीक है तीन चीज बाकी सब भूल जाओ मैं खा के आ चुका हूं ये सब भूल जाओ मु खाई की नासी ची मु खाई भी अभी आप यूज करते हो क्या कि मैं जब तुम्हारे घर जाए रहूंगा तुम सोते रहोगे ये कब यूज करते हैं हम लोग नहीं करते रियली यूज नहीं करते हम लोग क्या यूज करते हैं भाई मैं तुम घर जीवी मैं तुम्हारे घर जाऊंगा ठीक है इतना बस जाऊंगा ज्यादातर आपको पता होता है क्या मैं तुम्हारे घर जाए रहूंगा उस टाइम में तो तुम लोग 9 बजे सोते रहोगे मैं तुम्हारे घर जाए रहूंगा जो उस टाइम में तू मोबाइल खेलता रहेगा मुई तुम घर जाइ तू मोबाइल खेलू थी बुझी पार्स नहीं करो यूज नहीं करो तो जेना यूज करो सेना विजुअल करो फास्ट खाना यूज करब भाई मुझ तुम घर जाइली ठीक है आई वेंट योर होम ओके मु तुम घर जो चे जेनटा ये करूचे आई एम गोइंग टू योर होम तुम घर जीवी
आई विल गो फास्ट उड़िया हिंदी रे माइंड के तुम करवाटा स्टार्ट करो टोटाली तुम से आड़े नहीं जाओ टेन्स उपर टोटाली नहीं जाओ ग्रामर टोटाली नहीं जाओ फास्ट माइंड के तुमको जाना पड़ते शुण ना तुम पुर्ना जाना पढ़ेच सेन्ता ही जीव तुम फास्ट विजुअलाइजेशन करो फास्ट देख तीन टा जिनिस अछि पास्ट के भाव मु जाइथिली देन प्रेजेंट के भाव मु जाउछे आर फ्यूचर के भाव मुई जीवी बास तीन टा जिनिस उड़िया उड़िया दे भाव तीन टा जिनिस ओके बाला मु गली आई वेंट मु जाउछे आई एम गोइंग आओ मुई जीवी आई विल गो मीन्स मु खाइबी मु खाइथिली आई एट मु खाउछे आई मीटिंग मु खाइबी आई विल ईट ए तीन टा जिनिस रो खाली तुमको यूज करवर अच्छे एवं आज लगे आज तुम घरे राइट खाली तीन टा जिनिस यूज करब जाऊचे जीवी एग्जाम्पल लग खाऊ खाई खाऊ खाई खाया था खा रहा हूँ खाऊंगा मूवी देखा था देख रहा हूँ देखूंगा ये तीन चीज खाली आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ट्राई करो मम्मी पापा के साथ ये सब खाली ये तीन आप भूल जाओ खा के आया था खा चुका हूँ ये सब भूल जाओ खाली ये तीन चीज अब ये तीन चीज विजुअल करके खाली करो आप लोग को बहुत फायदा देगा आप लोग सीख जाओगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ देखो विजुअलाइजेशन करने के लिए विजुअलाइजेशन तुम यदि कर पार्ब देन तुम आगे जा पार्ब विजुअलाइजेशन कर फास्ट मुझे जाना कहूँ तुमके स्टेप बाय स्टेप जीव बहुत इंप्रूवमेंट हवा डेफिनेटली तुमको मुझे चैलेंज देना कहूँ तुमको गोटे मास में तुमको इंग्लिश को भाड़े सीखी पार्टी एंड यू एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एवरी वन तुम कही पार्ब राइट तो आउ गोटे जिन कौन ये जिनिस कलापुर मेन जिन गोटे भोकल भोकल भोकाबुलरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग तुम पाखे जो वर्ड तुम नहीं जानवर तुम इंग्लिश नहीं कही पार राइट तो मुझे तुमको नेक्स्ट क्लास में कहबी आम वार्ड भी कंता आमकी गलत कितना जिनिस गलत पड़ी जो नहीं जानी पार्बा वार्ड कंता आम जानी पार्बा गोटे वार्ड रु चार्टा खाने चालीसटा सेन्टेन्स भी बाहरी जावा अलग अलग मिनिंग फॉर एग्जांपल गुड एग्जांपल दी दूचे एंड वाइंड अप करबी मुई क्लास आमके काटबार काना पढ़ाई छे काटबार इंग्लिश काना पढ़ाई छे कट ओके ना काटने का इंग्लिश क्या पढ़ाया गया कट अच्छा मेरे को ये बोलो ओ सजा काट रहा है जो जेल जेल में काटते हैं उड़िया रे कुछ सुनो से सजा काटू छे जेल रे वो क्या होगा सपोज राम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप पढ़े हो ना इसीलिए एसोसिएट करोगे आपका एग्जाम्पल दो मैं सजा काट रहा हूँ मैंने मुझे सजा काटू चाहे राइट आई एम कटिंग थोड़ी कहब आई एम कटिंग थोड़ी कहब आई एम कटिंग इन जेल हैं थोड़ी हबा मेरा दोस्त सजा काट रहा है सपोज राम सजा काट रहा है आप राम से बहुत राम आप हैबिट हो गया ना राम सेड दैट सीता सेड दैट इसको आप समझोगे देखो राम सजा काट रहा है वो क्या होगा राम इज कटिंग व्हाट काट रहा है तो सजा है सजा को छोड़ दो सजा सेंटेंस छोड़ दो सजा आपको नहीं आता राम कटिंग सजा ठीक है मैं कटिंग का बोल रहा हूँ ना ये बोल रहा हूँ इसीलिए राम कटिंग तो काट कटिंग बोलोगे नहीं उसका क्या होगा इंग्लिश आप सुनो राम सर्व इन द जेल जो सर होटल में जाके आपका वेटर करता है जिन सर्व होटल में वेटर कर सी से सर्व जिन द सर्विस देसन सेटा ही जिया से ने सर्व राम कटिंग इन द जेल नहीं हुए राम सर्व इन द जेल हवा बुझी पाल तो ये कट र मीनिंग बहुत कुछ ही ओ पेड़ काट रहा है मैं पेड़ काट रहा हूँ मुई गच काटू चे आई एम कटिंग द ट्री ना सर नहीं हुए आई फॉलिंग द ट्री बुझी पार तो गुटे गुटे वर्ड रे केतटा मीनिंग भरबा आमके से नहीं कहबार आम से नहीं जानबार तो जदि आमके से वर्ड रे जदि आम सामने की कथा होथिबे तो आम तो बुझी नहीं पारू तो आम रिप्लाई कहना दे पार्बा ताके जदि तुमको कहो आई सर्व द हि सर्व द जेल तुम क्या भाव ओहो से जेल रे सर्व करुचे क्या तुम्हें तुम जानबार नहीं कि सब्र अर्थ है सजा काटूचे तो तुम क्या करब हाँ या गुड एंता कह बिकज तुमको क्या लगभग से सर्व करुचे बाकी से सजा काटूचे से कहीदे से क्राइम करुचे से सजा काटूचे बुझीपाल डिफरेन्ट तो ये जिनिसटा आम नेक्स्ट
क्लास पढ़वा कि आप भोकाबुलरी के स्ट्रंग हाँ गोटे गोटे वार्ड तुम के सेन्टेन्स बनई पार्ब आ वर्ड मेमोरी करना तुम्हें केन्ता रखी पार्ब मुझे तुमको ग्यारंटी दीकना कहे तुम्हें मेमोरी मोर देन 50,000 वर्ड तुम्हें मेमोरी कर पार्ब विदिन वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ भितर जे जिते प्राक्ट करवा जी जिते मोर कथा शुण्वा जी जिते फलो करवा से जल्दी कर पार्बा रईट बहुत जिनस अच्छे बहुत मजा लगवा तुम्हें स्पोकन इंग्लीश क्लासेस सेसन मुझे तुमको पढ़ाबी एवं तापर सरलापुर मुझे तुमको बहुत जिन मोटेसनाल क्लासेस भी करी जेटा कि बहुत इंपोर्टाट थिंग बहुत नुआ नुआ जिन तुमको पढ़वा बहुत मैथ्र तुमको ट्रिक बताबी मैथ बेदिक मैथ पढ़ाबी तुमके फटाफट इन कालकुलेसन करा पढ़ाबी सर कुछ सब कुछ पढ़ाऊंगा मैथ से लेके इंग्लिश से लेके जो कि आउट ऑफ द सिलेबस हो सकता है राइट लेकिन ये जो हेल्प करेगा आप लोग के स्टडीज में मेमोरी कैसे याद रखेंगे जल्दी ये आपको हेल्प कर लेगा आप जल्दी सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो डिवाइड कैसे कर सकते हो ठीक है ये सम कैसे कर सकते हो फटाफट जैसे कि दो मिनट में नया नया ट्रिक बताऊंगा आपको बहुत मजा लेगा लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स खत्म होने के बाद राइट तो ये स्पोकन इंग्लिश में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका वोकैबुलरी वोकैबुलरी आपको कैसे स्ट्रांग होगा और इसका भी और एग्जांपल देंगे मैं आपको जो बोला भूलना मत ठीक है ये आप प्रैक्टिस करो खाली मैं खाया था मैं खा रहा हूं मैं खाऊंगा ये लेके खाऊंगा जाऊंगा नहाऊंगा खेलूंगा खेल रहा हूं खेलूंगा खेला था ये सब जितना भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल आज प्रैक्टिस करो देखो मजा आ जाएगा आपको ठीक है तो क्लास को अभी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं थैंक यू मैं जो जो बोला आप लोग उसको विजुअलाइज करने की ट्राई करो और जो मैं पहले बोला था विजुअलाइज करने के लिए फैन क्रिकेट फैन कैट के बारे में आप लोग देखो जब खत्म होगा ये क्लास तभी आप लोग अगर स्टोरी को सोच लोगे आप उसको बोल सकते हो ठीक है थैंक यू सो मच।